हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या दे रखा है, सोल्व द इनइक्वालिटी इन क्वेश्चन 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। आपको ये बोल रखा है क्वेश्चन 17 से 20 तक की जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ग्राफ के ऊपर शो करना है, किसको इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे शो करना है किसको, उनका जो भी सॉल्यूशन आएगा उससे सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 3x-2 <2x+1। अब हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास लेस देन आती है, ग्रेटर देन जो भी आती है, सॉल्व करेंगे 3x-2 <2x+1। अब 2x को ख़त्म करना है तो इधर प्लस है तो क्या कर देंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे, 3x-2 - 2x <2x+1 - 2x। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, इधर 3x-2x x आ जाएगा और -2। अब हमें क्या करना है, -2 को ख़त्म करना है तो इधर भी +2 कर दिया और इधर भी +2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा <2+1 = 3। एक्स हमारे पास क्या आया, <3। अब x <3 है तो सॉल्यूशन सेट क्यों होगा, 3 से लेस है, 3 से लेस हमारे पास क्या आएगा, 2, 1 और सभी के सभी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, -∞ से 3। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं 0 से हमारे पास -1, -2, -3, -4 अप टू, और इधर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाएंगे। हमारे पास सॉल्यूशन सेट में कहाँ से है, 3 से। अब 3 हमारे पास पॉजिटिव है तो 3 यहाँ है हमारे पास, तो 3 से लेके और कहाँ तक है हमारे पास, -∞। 3 से लेके इधर चलते जाएंगे हम इसको, और एरो दे रखा है, एरो का मीनिंग क्या है कि आगे तक है, कहीं तक भी जा सकती है हमारे पास, तो 3 से लेके अप टू इधर, ये इसीलिए हमने डार्क करके शो कर रखा है कि 3 से इधर जो भी लाइन्स आएंगे वो सभी के लिए रिप्रेजेंटेशन है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इक्वल का साइन है तो जो आपको ये 3 पे सर्कल ड्रॉ कर रखा है इसको डार्क करना है, और इक्वल नहीं है इसमें तो इस सर्कल को ऐसे कैसे ओपन छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 5x-3 > 3x-5। अब देखो 5x-3 > 3 है किसके, 3x-5 के। 5x, अब इधर से 3 को ख़त्म करना है 3x को, तो दोनों साइड माइनस कर देंगे, 5x-3 - 3x, इधर क्या आ जाएगा, 3x-5 - 3x, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 5x-3x क्या आएगा, 2x आ जाएगा, और क्या बचा इधर, -3। अब -3 को ख़त्म करना है तो +3 कर देंगे, और इधर भी -5 + 3, 3 से 3 कैंसिल, इधर 2x आएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू -5 + 3 क्या आएगा, -2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, x आ जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू, इससे कैंसिल कर दिया -1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू -1। ग्रेटर देन है -1 से बड़ी है, -1 से बड़ा क्या आएगा, 0 आएगा, 1, 2, 3, 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -1 to ∞। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे, फिर हमारे पास -1 हमारे पास यहाँ है, इस पॉइंट से हमें कहाँ जाना है, पॉजिटिव की ओर जाना है, तो इसको ऐसे डार्क कर देंगे कि इधर की साइड हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। फिर मैंने बताया था कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं था तो ऐसे कैसे था सर्कल, बट यहाँ पे साथ में इक्वल का साइन है तो ये जो -1 का सर्कल था इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 3 × 1 - x < 2 × x + 4। 3 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 3 - 3x < 2x + 8 आ जाएगा। अब इधर देखो, इधर से हमें क्या करना है, 2x को ख़त्म करना है तो इधर -2x कर देंगे, 3 - 3x - 2x < 2x + 8 - 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा, 3 - 5x आ जाएगा, फिर इस 3 को ख़त्म करना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, -3, उधर क्या आएगा, 8 - 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -5x < 5।
अब माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे, माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपको बता रखा है कि जब भी हम नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि साइन है वो चेंज हो जाएगा, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन माइनस वन। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन माइनस वन है तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू आएंगी, माइनस वन से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनेटिव तक, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट माइनस वन टू इन्फिनेटिव। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस वन ये हमारे पास अप टू इन्फिनेटिव पॉजिटिव में जाएगा, तो माइनस वन से अप टू ऐसे डार्क लाइन करके दिखा देंगे हम, और माइनस वन है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे सर्कल को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एक्स बाई टू ग्रेटर देन या इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू बाई थ्री माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री बाई फाइव। एक्स बाई टू ग्रेटर देन या इक्वल टू, पहले एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फाइव टू जा टेन, माइनस एज इट इज आ जाएगा, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री जा नाइन। अब एक्स बाई टू ग्रेटर देन या इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन क्या आएगा, फोर एक्स माइनस टेन में से नाइन जाएगा वन बाई फिफ्टीन। अब मैंने बता रखा है आपको कि इन दोनों की हम जो भी हमारे पास एलसीएम है दोनों का, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्टीन टू जहाँ थर्टी, दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी से, एक्स बाई टू मल्टीप्लाई थर्टी इधर आ जाएगा, फोर एक्स माइनस वन बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाई थर्टी, टू से कैंसिल कर देंगे फिफ्टीन एक्स हो जाएगा, इधर फिफ्टीन से करेंगे टू पे हो जाएगा, टू फोर जा एट एक्स माइनस टू वन जा टू। अब हमारे पास आया फिफ्टीन एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू एट एक्स माइनस टू, एट एक्स को हमें ख़त्म करना है तो माइनस कर देंगे, फिफ्टीन एक्स माइनस एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एट एक्स माइनस टू माइनस एट एक्स, एट एक्स एट एक्स खत्म हो जाएगा, फिफ्टीन एक्स माइनस एट एक्स सेवन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। अब सेवन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस टू बाई सेवन, माइनस टू बाई सेवन को जब हम ड्रॉ करके देखते हैं पॉइंट में देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो एज इट इज आ जाएगा, माइनस जीरो पॉइंट सेवन टू जा फोर्टीन, जीरो पॉइंट टू और समथिंग आ जाएगा, तो 0.2 की साइड चलेंगे हम। अब ये देखो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x है हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस टू बाई सेवन है, तो x की जो वैल्यू है वो माइनस 0.2 से बड़ी आएगी, बड़ी आएगी तो प्लस इन्फिनेटिव तक जाएगा, माइनस टू बाई सेवन टू इन्फिनेटिव। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब देखो 0.2 है, ये 0.1 ये 0.2 ले लिया मैंने, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2, और पॉजिटिव की साइड है तो हमारे पास ये आ जाएगी डायरेक्शन, ठीक है, और इक्वल का साइन था इसलिए हम इसको डार्क शो करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, रवि ऑब्टेंड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। रवि ने पहले दो यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स मिले, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ये बताना आपको कि उसको मिनिमम मार्क्स, कि उसको कितने मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे थर्ड टेस्ट में, कि उसके जो मिनिमम मार्क्स की एवरेज है वो कितने हो जाए, 60 हो जाए। तो हम मान के चल पड़े लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड टेस्ट, हमने मान लिया कि उसने थर्ड टेस्ट में कितने नंबर लिए, एक्स। एवरेज मार्क्स, एवरेज कितना आ जाएगा, अब तीनों को प्लस करके बाई थ्री कर देंगे, 70 प्लस 75 प्लस एक्स बाई थ्री, कितना दे रखे हैं एट लिस्ट 60 मार्क्स, एट लिस्ट कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो इनकी जो एवरेज है वो या तो 60 के इक्वल होगी या 60 से ग्रेटर होगी। अब 60 से इक्वल या ग्रेटर के लिए साइन दे दिया हमने, अब ये 3 है, 3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसल, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया 180 आ जाएगा,
फिर 145 को ख़त्म करना है तो इधर माइनस कर देंगे, 145 माइनस 145 ग्रेटर देन या इक्वल टू 180 माइनस 145, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 35। तो उसको अगर 60 मार्क्स लेने हैं एवरेज के लिए तो उसको उसके लिए उसको थर्ड टेस्ट में कितने की ज़रूरत होगी, कम से कम 35 मार्क्स लेनी है। रवि मस्ट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसकी एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो जाए उसके लिए उसको कम से कम 35 मार्क्स लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स के अंदर ग्रेड ए रिसीव किया, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, कि उसको वन मस्ट ऑब्टेन उसको कितने ऑब्टेन करने हैं, 90 मार्क्स और मोर 90 या उससे ज़्यादा इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जाम में। इफ़ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर, सुनीता के जो 4 एग्जाम हुए उनमें मार्क्स क्या है, 87, 92, 94, 95। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीताज मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। तो सुनीता को अगर ग्रेड ए लेना है तो उसको 5th एग्जाम में कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी, और जो ग्रेड ए लेना है उसके लिए कंडीशन क्या है, कि एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, कि उसके लिए कितना होना चाहिए, 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास। तो देखो, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन इन 5th एग्जाम, हमने मान लिया कि उसको 5th एग्जाम में एक्स मार्क्स मिले, एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स का है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 90। अब सभी को प्लस कर दिया, 368 प्लस एक्स बाई 5, अब 5 को हटाना है तो मल्टीप्लाई 5 कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 368 प्लस एक्स, अब इधर से हमें 368 को ख़त्म करना है तो माइनस 368 ग्रेटर देन या इक्वल टू 450 माइनस 368, ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ग्रेटर देन या इक्वल टू 82, कि हमारे उसको कम से कम 82 या इससे ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे तभी उसको ग्रेड ए मिल सकता है। सुनीता मस्ट ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 या 82 से ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुकेटिव, उन पेयर्स को बताना है कॉन्जुकेटिव कंटिन्यू और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, एंड देयर सम इज मोर देन 11, और दोनों का सम है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो क्या है, लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ टू कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, एक्स हमने मान लिया छोटा पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, अब दूसरा पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो क्या आएगा, एक्स है, मान लिया फर्स्ट हमने 1 ले लिया, तो 1 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तभी तो 3 आएगा ना, तो ये एक्स है तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा सेकंड, क्या आ जाएगा x प्लस 2। फिर कंडीशन क्या है, कि दोनों की हमारे पास कंडीशन ये दे रखी है विच आर स्मॉलर देन 10, कि क्या होने चाहिए, दोनों स्मॉलर देन 10 आना चाहिए, x लेस देन 10 और x प्लस 2 भी लेस देन 10 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x लेस देन 8 आ जाएगा, कि हाँ से हमारे पास x लेस देन 8 भी आ जाएगा और इधर से x लेस देन 10 दे रखा है हमें। देखो कैसे करेंगे, x और x प्लस 2 कंडीशन में क्या दे रखा है, देयर सम इज मोर देन 11, 11 से ज़्यादा है तो दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे, x प्लस x प्लस 2 मोर देन दे रखा है ज़्यादा है तो इट मीन्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 11 से ज़्यादा आएगा, प्लस करेंगे 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2 को ख़त्म करना है तो माइनस कर देंगे, 2x प्लस 2 माइनस 2 और ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 9, अब 2 ख़त्म करना है तो 9 बाई 2 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 9 बाई 2, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन कहती है कि 9 बाई 2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 4.5, कि जो x की वैल्यू वो 4.5 से बड़ी होगी, और क्वेश्चन भी दे रखा है कि x की वैल्यू 10 से छोटी होगी, और
10 से छोटी होगी 4.5 से बड़ी होगी, तो 4.5 के और 10 के बीच में दूसरी कंडीशन में क्या आ गया था, x 8 से छोटी होनी चाहिए, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी। तो उसके लिए हमारे पास दो पेयर बनेंगे, x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x कैन टेक वैल्यू 5 एंड 7। तो हमने x की वैल्यू क्या क्या ले ली, दो पेयर बनेंगे 5 और 7, ये 4.5 से बड़े हैं दोनों और 8 से छोटे दे रखे हैं हमारे पास, और दूसरी कंडीशन में दे देंगे एंड 7 और 9 कि x की वैल्यू 7 हो सकती है और x की वैल्यू 9 हो सकती है, क्योंकि दूसरा तो x प्लस 2 है, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट टाइम फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। हमें ऐसे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं पेयर्स विच आर लार्जर देन 5, जो 5 से बड़े, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23 और उनका सम है वो 23 से लेस है, बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने पीछे किया है। लेट एक्स बी स्मॉलर ऑफ टू कॉन्जुकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, छोटा हमारे पास है, कॉन्जुकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, अदर इस दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दे रखी है कि लार्जर देन 5 दे रखा है, इट मीन्स x ग्रेटर देन 5 और x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये बड़ा है तो ये भी बड़ा आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। कंडीशन क्या थी कि दोनों का सम है वो लेस देन 23 आएगा, तो एक्स प्लस 2 लेस देन 23, प्लस कर देंगे 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2 को हटाना है, 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 23 माइनस 2, इधर से क्या आ जाएगा 2x लेस देन 21 आ जाएगा, 2 को ख़त्म कर देंगे x लेस देन 21/2 और 21/2 को कन्वर्ट करेंगे 10.5। यहाँ से कंडीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड से देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारे पास है लेस देन 10.5 कि x की वैल्यू 5 से तो बड़ी होगी और 10.5 से छोटी होगी, तो इसके बीच की देख लेंगे हम क्या आएगी हमारे पास है, x कैन टेक द वैल्यू 6, 8 एंड 10, 6 ले लिया, 8 ले लिया और 10 ले लिया, सो रिक्वायर्ड पेयर विल बी, फर्स्ट अगर हमने 6 लिया तो क्या आ जाएगा सेकंड 6 प्लस 2 8, दूसरा हमने 8 लिया तो क्या आ जाएगा 10 और 10 लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट है 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 times है किसका, शॉर्टेस्ट साइड का, एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than, और जो थर्ड साइड है इज 2 centimeter shorter than द लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड है वो 2 centimeter शॉर्ट है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से, इफ द पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 centimeter, अगर उस ट्रायंगल का जो पैरीमीटर है वो एट लीस्ट कम से कम 61 centimeter है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखो लेट द शॉर्टेस्ट साइड मान के चल पड़ी एक्स है, लॉन्गेस्ट साइड क्या आ जाएगी 3 times है उसका, तो क्या आ जाएगी 3x है, और जो थर्ड साइड है वो 2 centimeter shorter than द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter कम है, तो इसमें से कम कर देंगे 3x-2, तीनों साइड आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस 3x प्लस 3x-2, तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस x 4x प्लस 3x 7x 7x-2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, पेरीमीटर ग्रेटर देन या इक्वल टू 61, कि इसका जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 61 होना चाहिए, तो क्या लिख देंगे, पेरीमीटर कितना आया 7x-2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 61, माइनस 2 को ख़त्म कर देंगे 7x-2 प्लस 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 61 प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 बाई 7 कर देंगे दोनों साइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन या इक्वल टू 9, तो हमारे पास मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड क्या आएगी, मिनिमम लेंथ 9 हो जाएगी और मैक्सिमम पूछता है तो 9 से बड़ी आ जाएगी 10 11 12 कोई कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट है 26, ए मैन वांट्स टू कट 3 lengths फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 centimeter, हमें क्या करना है, एक पीस दे रखा है, एक बोर्ड है उसमें से हमें पीस कट करने हैं, 3 पीस कट करने हैं, ठीक है, और
सिंगल पीस ऑफ वर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, और जो पीस है उसकी टोटल लेंथ कितनी 91 सेंटीमीटर। द सेकंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी है सेकंड वाली। एंड द थर्ड इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड है वो जो लॉन्ग है उसके ट्वाइस के इक्वल है शॉर्टेस्ट के ट्वाइस के। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टर बोर्ड, और जो बोर्ड बनेगा हमारे पास उसकी पॉसिबल लेंथ निकालनी है इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, अगर उसका जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा सेकेंड से। देखो दो कंडीशन बनेंगी, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस बी एक्स, हमने मान लिया सबसे छोटा पीस क्या है एक्स, सेकंड पीस क्या हो जाएगा वो उससे 3 बड़ा है तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, थर्ड पीस क्या हो जाएगा उसके 2 टाइम्स के इक्वल दे रखा था ट्वाइस के तो 2x हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन या इक्वल टू 91। हो सकता है उस बोर्ड में से तीनों की तीनों कट कर रखी है तो पूरा का पूरा बोर्ड कट गया हो, या फिर हो सकता है उससे कम भी हो तो इक्वल भी हो सकता है और इससे लेस भी। x प्लस एक्स 2x प्लस 2 4x प्लस 3 लेस देन या इक्वल टू 91। अब 3 को ख़त्म करना है, 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन या इक्वल टू 91 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x लेस देन या इक्वल टू 88 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन या इक्वल टू 22। इसको इक्वेशन 1 मान लिया कि इक्वेशन 1 कहती है कि x की वैल्यू 22 या इससे छोटी होगी हमारे पास। लेंथ ऑफ द थर्ड पीस इज एटलीस्ट, अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि थर्ड पीस की जो लेंथ है वो एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर कम होगी किससे सेकंड से बड़ी होगी, तो थर्ड माइनस सेकंड पीस की लेंथ कर देंगे, थर्ड पीस माइनस सेकंड पीस ग्रेटर देन या इक्वल टू 5। थर्ड हमारे पास क्या है 2x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, 2x में से x आएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, अब प्लस कर देंगे x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन या इक्वल टू 8। अब पीछे कंडीशन क्या थी कि लेस देन या इक्वल टू 22 या ग्रेटर देन या इक्वल टू 8, तो कंबाइन कर देंगे दोनों को, क्या आएगी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 8 से या 8 से बड़ी आएगी, 22 या 22 से छोटी आएगी, इनके बीच की आएगी। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। ओके, थैंक यू।